क्यों नहीं जाना दूर है? आज निकाल के मानवेश का आ रहे अपनी माता। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और भाई अभी हम सब कूलर के आगे बैठे हुए हैं, और कूलर के आगे से उठने की इच्छा नहीं होती है गाइस। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, टाइम तो फिर भी बारिश हो गई कल है ना, तो वहाँ तो थोड़ा मॉर्निंग का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, पर खाने का कोई अभी शतना नहीं किया हमने, तो अभी मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। नहीं, गर्मियों में अच्छे नहीं लगते, माहौल काफी ज्यादा होता है। अरे बोंडा खाएगा रे यार। तो भाई आप लोग बने रहिए गाइस व्लॉग में, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है, तब तक देखिए दोस्तों, गर्मी में खाना बनाना बड़ा मुश्किल। सब्जी तो बना ली टॉप वाली, वाओ इतनी बुरी हालत हो रही है, पता नहीं कहां से आ रही है इतनी ज्यादा। हाँ बिल्कुल, बारिश नहीं हो रही ना, इसलिए ज्यादा लगती है। धूप इतनी जोर से, क्या बताऊं, तो भाई खाना तो रेडी हो गया है। आज बनाई लौकी की सब्जी, इच्छा नहीं होती है खाना बनाने के बाद में, बस सिर्फ। अच्छा भाई, क्या भूखे रहेंगे हम? आप लोग खा लो, से मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है खाने की। सारी रोटियों को बेल के रख दिया, आज तो रोटी थोड़ी सी मोटी बनाई, गर्मी बना रहा फटाफट। बिल्कुल भी खिड़की खोल रखी हो ना, पर इस पर मतलब नहीं है, इधर मास हो रहा है बिल्कुल। बाहर देखो बहुत ज्यादा धूप हो रही है, हल्के से बादल हुए थे कल, थोड़ी सी उम्मीद जगी थी वो भी चली गई, बारिश आई नहीं, बादल की वजह धूप हो गई बहुत ज्यादा। और गाइस आज ना हमारे पानी नहीं आ रहा था भाई मॉर्निंग से ही, तो मैं सारे बर्तनों को धोने के आ रही, क्योंकि मॉर्निंग से जितने बर्तन हुए हैं ना पूरे देखो इधर रख दिया मैंने, तो अभी पानी आया है, अभी इनको साफ करूंगी दोस्तों। सच में आज तो मेरे को ऐसे लग रहा है कोई दो दिन के बर्तन हो गए ना, इतने ज़्यादा लग रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस गर्मी में आप सब अपना ध्यान रखें, मतलब कि कूलर पंखे से हटे नहीं, कि इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं। और मेरा भी काम दोस्तों अभी ख़त्म हुआ है, बस ना के आई हूँ थोड़ी देर पहले। गर्मी में ना मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती है कि बैठना जरूरी हो जाता है काम करते करते। तो भाई आप लोग बन रही है ब्लॉग में दोस्तों एंड तक, एंड जो भी न्यू है चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, एंड आप सबका प्यार और सपोर्ट बना के रखे दोस्तों। तो बढ़ाते हैं ब्लॉग को, और अभी मैं बना लेती हूँ भाई जूस फटाफट से। कहाँ से लेके आए थे? क्योंकि यहाँ पे ड्यू नहीं मिलती है दोस्तों, लोग मिल गई कल, जब ये दो तीन लाया था, तीन होटल लेके आए हैं, एक को कल खा लेके पियो आप, पीलो पीलो आपने लास्ट में दे देना मेरे को, पियो 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 मैं आर्मी में ठीक है। इनको देखिए, और गाइस इनको देखिए, ये एक दो घंटे से सो रहे हैं एक बजे के, और फिर भी देखो इनके माथे पे पसीना, जबकि कूलर चल रहा है फिर भी पसीना कम नहीं हो रहा है इनका। दो तीन बार तो मैं खुद पहुंच दी पसीने को, फिर भी आया जा रहा है। मन के उठ जाओ, खूब सो लिया, वैसे तीन चार चार बज गए। अरे ये चुपचाप ही रहा है, किसी को कुछ भी ना बोले, रहन दो हम नहीं है मम। और गाइस भाई शाम का टाइम हो गया है, और अभी हम लोग भी कूलर पंखों को आराम दे के बाहर आ गए हैं दोस्तों, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। आस बंदी है फिर से हमारी, देख आने का नहीं पता, लेकिन है ना बादल बहुत ही ज़्यादा, मतलब कैसे लग रहे हैं बारिश आएगी हैं, बारिश का मौसम हुआ था। आएगी नहीं आएगी पिया जी बताओ, नहीं क्योंकि यहाँ पे बादल है ना काफ़ी बार आके फिर आते ही नहीं है, ऐसे होके चल जाते हैं। तो भाई दोस्तों लेकिन अच्छा लग रहा है, बारिश आ जाए तो अच्छा रहे। और चाय वाय पियो फिर अरे अभी 5 बजे यार छोट पड़ रही है पिया जी। तो गाइस मैं इन कपड़ों वगैरह आज अच्छा, तो गाइस आज क्यों नाच रही हूँ इतना? बारिश का मौसम तो आई नहीं अभी, तो आने तो दो। पहले से तैयारी नहीं करूंगी आज कपड़ों को, क्योंकि मेरे बार मौसम होता है ना, पहले कपड़ों को इनको इधर लगा देती हूँ, बारिश आती ही नहीं है, तो आज आने के बाद में ही लगाऊंगी दोस्तों। सही में मौसम को देख के ना दिल बहुत मतलब खिला खिला हो गया है, इतनी ज्यादा तरस रहे हम बारिश के लिए गर्मी में। और अब देखो कैसे लेने के लिए पक रही है, हवा चल रही है, हवा अभी तो बोले इतने रखूंगी, ये दो पिन दो, ओ पहले पिन अभी
भी उठ जाएंगे, नहीं तो पता भी नहीं किसके मकान में जाएंगे, कपड़े लेने जाना भी नहीं होगा। ये बात वो तरह तो नहीं, लेकिन उनके कुछ पिन वगैरह लगा दिए हैं। कैसा लग रही है हवा? अच्छी लग रही है, पर बारिश से ही है। ठंडी आ रही, कहीं हो गई बारिश? बारिश हो गई तो कहना जरूरी है, बड़ी मुश्किल ये दूरी है। और गाइस वही मैं कपड़े वगैरह को सबको रख के अभी जा रही हूँ छत पे, बारिश आई तो है भाई। देखिए इधर आ जाओ, इधर आ जाओ प्लीज, दोनों के दोनों बीमार हो रहे हैं, आ जाओ प्लीज। गांव से आने के बाद किसी चीज की पहली बारिश यार, और हमारे को फिर से धक्का देके अंदर डाल दिया गया है। क्या हो गया बोलो, कहाँ बिगा दिया वो? अरे क्या सीन है गाइस, मैं दूर हो के भी बहुत खुश हूँ आज, बताए दूर किससे हो गई हूँ, मुझसे दूर हो के देखो कितनी खुश हो गई हूँ। नहीं तो उनके आगे से निकलने का मन ही नहीं करता था बिल्कुल भी। आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ एक तरफ पर धूप, इधर इधर बारिश, जाओ ना लो आ रहे आप भी ना लेने दे बच्चे को। जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मैं चिगली चिगली, मेरा फोन प्लीज कुछ भी नहीं होगा। डैडी देखो क्या कर रहे हैं, मेरा फोन घूम रहा था। हाँ हाँ तो आए पास अरे ठंडा मौसम, थोड़ी बादल गरज रहे हैं, आ जाओ जल्दी से अंदर। कैसा लग रहा है नहा दोगे बारिश में? गाइस ऐसे लग रहा है पिछले एक महीने से आज ही ना आई हूँ मैं, सही बता रही हूँ, सच में इतने दिनों से ना नहाना नहीं नहाना खराब था। आज तो फाइनली भाई हो गई है बारिश, तो गाइस फाइनली भाई नहा धो के रेडी हो चुकी, नहा चाय चढ़ा दी मैंने। डैडी मुझे पाकिस्तान वाली ट्रेन है ना, ये लो मेरे बच्चे का बोलो, अब बोल दो तो पाकिस्तान वाली ट्रेन है ना, वो कोई दूसरा हॉर्न बजा रही है क्या? कौन सी तरीका भाई बताओ, दो बजा रही है ना। बॉर्डर से जा रही है वो, इधर बॉर्डर है उसकी। तो गाइस फाइनली भाई अभी मैं आ चुकी हूँ रसोई में, क्योंकि खाना का टाइम हो गया है, शाम भी हो गई है और अभी दूध गर्म हो रहा है, दूध जमाऊंगी इसलिए, एंड बाकी खाना वगैरह बनाएंगी दोस्तों। अभी थोड़ा सामान खत्म हो गया था घर का, तो उसी को लेने गए हुए हैं पिया जी, क्योंकि आज संडे है तो मन के सामान मंगा लेते हैं, फिर बीच में लेट आते हैं ऑफिस से तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो वही करते हैं। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों आज खाना बनाना, क्योंकि बहुत अच्छी हवा आ रही है। क्या कर रही हो मोटी? बारिश का मजा ले रही हूँ खिड़की से। दोस्तों आज बारिश आ रही काफ़ी टाइम, खिड़की से बारिश का मजा ले रही, देखो मेरा आज ये पी संडे बनाया गया है दोस्तों आज मेरा। गाइस पिया जी का बहुत हैप्पी वाला संडे बनाया है हमने भाई, बहुत खर्चा करा दिया दोस्तों इनका। अच्छा कैसी लगी बॉडी? बहुत अच्छी है दोस्तों, पता नहीं खुश लग रही है, और ज्यादा खर्चा
चढ़ जाता और इतनी अच्छी लेके भी आती, बहुत अच्छी लेके आए गाइस। गाइस मेरी पिया जी कल से जाएंगे ऑफिस, मंडे हो गया है कल, तो इसीलिए मैंने काफी सारा सामान मंगाया था। आर्यन के लिए भी मंगवाया था खाने का, अरे दोपहर में खाने के लिए क्या मांगते रहते हैं, चॉकलेट वगैरह ला के रख दिया हूं पहले। आज ही ला के रख दिया, हमको कहीं नहीं जाते, नीचे स्कूल जाता है ना, तो हम फिर भी चले जाते हैं। चिप्स भी मिल गई जी, वो वाली चिल्ली वाली चिप्स लेके आए। ऐसे हमने हैप्पी वाला संडे मनाया, इनका काफी सारा का खर्चा करवा के खर्चे हुए बस। फर्स्ट संडे इतनी सारी शॉपिंग। तो गाइस हमने ले लिया है फोन का गद्दा भाई, इधर लग रहा थोड़ा सी पड़ गई काफी दिनों से, क्या है हमारे पहले से पड़े हुए थे दोस्तों दूसरे गद्दे, तो हमने फोन का गद्दा नहीं खरीदा था, अभी लेके आए ये वाला गद्दा फोन का। तो दोस्तों भाई अभी 10 बजने वाले हैं, आर्या को सुलाने का टाइम हुआ है, ऐसे तो सोता ही नहीं, फोन में देखता रहेगा दोनों में से एक को उसके साथ सोना होगा तब जाके सोता है वो। तो गाइस भाई आज का ब्लॉग तो आप लोगों ने देखा ही होगा, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंजॉय से भरा हुआ था पूरा ब्लॉग। तो मैं भी वैसे काम से फ्री हो गई हूँ, दूध वगैरह सबको जमा दिया है।